यमुनानगर में अचानक से आसमानी बिजली गिरने से शहर की शास्त्री कॉलोनी में एक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई। आसमानी बिजली की घटना से सारी कॉलोनी में दहशत का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर की शास्त्री कॉलोनी के साथ लगती रविदास कॉलोनी में आज दोपहर अचानक तेज धमाके साथ आसमानी बिजली गिरी, जिसके चलते लोगों में भारी दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि एक मकान का कुछ हिस्सा गिरकर गली में पड़ा है और मकान के अंदर बिजली का सामान, उपकरण, तारें जल चुकी हैं। मकान मालिक पदम शर्मा अपने परिवार के साथ दवाई लेने बाहर गए हुए थे, जिसके चलते वह बाल बाल बच गए। डेढ़ बजे एकदम बिजली की कटकने की आवाज़ आई, एकदम पूरी कॉलोनी में जहाँ मेरा बिल्कुल साथ में मकान है रोशनी भी हो गई, तो हम एकदम घबरा गए कि तेज आवाज भी लगा था भी कोई आस पास में कहीं बिजली गिरी है। तो जब हम बाहर निकले तो देखा सड़क पर बहुत सारा मलबा गिरा हुआ था, जिसे गुजर पड़े थे। तो फिर हम आग जब देखा समझ गए, देखा कि अंदर कौन है इनके, तो देखा इनके दरवाजे में बंद पड़े थे, ये डॉक्टर के पास लगा दवाई देने के लिए गए, तो इनको फिर फ़ोन करके बुलाया गया। लेकिन अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, दोनों मीटर बिजली के, फ्रिज, टीवी और बिजली की सारे वायरिंग काफ़ी नुकसान है। बिल्डिंग का आपकी फोटो आपने खींच ली, गिरी है जी, और ये आपके सामने नुकसान तो आपने अब देख ही लिया है फोटोज में, ये मम्मी पे गिरी है सारी पौड़ियाँ, लैंटर, दीवारें और बिजली की वायरिंग, तीनों बिजली के मीटर और नीचे इन्वर्टर, फ्रिज सब फूक गए हैं। क्या उसका पता नहीं थी, मैं घर नहीं था उस टाइम, मैं बाहर गया हुआ था। सर ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये रविदास कॉलोनी है जी, 422 नियर शास्त्री कॉलोनी। अभी तक तो फिलहाल तो कोई आया नहीं। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।